हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि थोड़ा करने से क्या होगा, इतना करने से क्या हो जाएगा। अरे एक पन्ना पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान थोड़ी ना मिल जाएगा, कोई प्रोफेसर थोड़ी ना बन जाऊंगा। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर स्टूडेंट के लिए और सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी फील्ड में हो, सोचते हैं कि ये थोड़ा सा करने से मुझे कौन सा क्या, मैं सीईओ बन जाऊंगा क्या। तो मतलब ये आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि जो ये कहते हैं कि थोड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि कौन ऐसा शख्स शख्स है जो सक्सेस हुआ है वो एक बैग हो गया हो, मतलब डायरेक्ट वो सक्सेस पा गया। नहीं, उसने पहले कुछ सोचा होगा, फिर कुछ किया होगा, फिर किया होगा तो कई बार फेल हुआ होगा और फिर उसके बाद में सक्सेस पाया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप फेसबुक अगर बहुत पहले चलाते रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आपके अगर 5-6 साल मतलब पहले अगर आप फेसबुक चलाते रहे होंगे तो मतलब फेसबुक की वो साइट उतनी अच्छी नहीं थी जो मार्क जुकरबर्ग हैं। और जब लोग बताते हैं, मैंने उसकी फेसबुक की हिस्ट्री पढ़ी है, पहले फेसबुक की जो वेबसाइट थी मतलब बहुत ख़राब चलती थी, मतलब लोग उसमें बोरिंग होने लगते थे, बहुत रुक रुक के चलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्क जुकरबर्ग ने पहले सोचा फिर बनाया, फिर धीरे धीरे उसको अच्छे से सुधारते गए, फिर आज फेसबुक देखो कितनी बड़ी पोजिशन पे है। तो मेरे कहने का मतलब यही है और ये हकीकत भी है कि थोड़ा थोड़ा करने से, देखिए जो मेरी फेवरेट लाइन है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, एक इन बूंद गिर के ना सागर बन जाता है। तो बहुत लोग ये कहते रहते हैं कि अरे बस, अगर आप ये सोचो अगर कोई स्टूडेंट हो, अगर 100 पन्ने की बुक हो सामने आएगी, वो बुक तो इतनी मोटी लगेगी, तो उसने कह रही है इतना मोटा यार कौन जाएगा पढ़ने, हटाओ, अगर थोड़ी सी होती 35 तो पढ़ भी लेता। लेकिन वो 100 पन्ने की है, 200 पेज के हैं, अगर सोचो वो डेली एक पन्ना पढ़े, कितना डेली एक पन्ना, तो 100 दिन में मतलब 3 महीना 10 दिन में वो बुक खत्म हो जाएगी और उसके पास एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और 3 महीने 10 दिन कब गुजर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आप पढ़ेंगे तब भी गुजर जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तब भी गुजरेगा। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो कहने का मतलब यही है कि हमें भागना चाहिए, नहीं चाहिए किसी चीज़ से, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और मेरा ये मानना है कि कहीं फेलियर नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, वो तो जो हम किए रहते हैं, जो हम करते हैं, हमें उसका नतीजा मिलता है। फेलियर नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ये फेलियर ही है ना जो हमें सक्सेस की तरफ बढ़ाते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो सक्सेस पा गया हो और वो फेल ना हुआ हो, क्योंकि किसी कहने वालों ने क्या खूब कहा है, कुछ सोचोगे तो कुछ करोगे और कुछ करोगे तो डेफिनेटली गलती होगी, कुछ सोचोगे तो कुछ करोगे और कुछ करोगे तो गलती होगी, और गलती होगी तो सुधार होगा और सुधार होगा तो कामयाब होगी। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप गिर गए हो तो दोबारा फिर से उठ जाओ, क्योंकि गिरेगा वही जो चलेगा, जो चलेगा ही नहीं वो क्या गिरेगा। तो बहुत लोग ये सोचते रहते हैं कि थोड़ा सा करने से कुछ नहीं होगा, और फिर अगर कुछ करने भी लगते हैं पूरा, मतलब अपना प्लान बना के एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं, तो अगर उनको रास्ते में दुश्वारियाँ मिलती हैं, कठिनाइयाँ मिलती हैं, प्रॉब्लम्स मिलते हैं, तो फिर वो बैक हो जाते हैं। नहीं, अगर आप चलोगे तो ज़रूर गिरोगे, और गिरोगे तो उठोगे तभी आप सक्सेस पाओगे, अगर गिर के आप रुक गए तो फिर सक्सेस नहीं पाओगे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मोटिवेट रहते हैं कि ये बस अब तो कर ही डालूंगा, अब तो कुछ नहीं छोड़ूंगा, मतलब जो मैंने सोचा वो कर डालूंगा, लेकिन बस जैसे लास्ट आगे प्रॉब्लम्स आती हैं फिर वहीं रुक जाती हैं। तो सबसे पहले आप ये माइंड में अपने बिठाइए कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, देखो प्रॉब्लम्स तो आएगी ही, ये तो गांठ बांध के रख लो, अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, बगैर प्रॉब्लम्स के क्या, अगर आप बगैर प्रॉब्लम्स के पहुंच जाएंगे सीधा, नहीं प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स से भागना नहीं है। तो सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था कि जस्ट डू इट, और ये याद रखिए कि तुरंत उसको, आपके पास जितना भी हो, कहाँ आप जहाँ भी हो, जो भी आपके पास हो वहीं से आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ये प्लानिंग में रहेंगे कि अच्छा मेरे पास कुछ दिन बाद ये हो जाएगा, आज मेरे पास ये नहीं है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो भी जितना भी है जहाँ भी है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, वही सही है, वरना फिर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है।